नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह, आज मैं वाराणसी में हूं और मेरे साथ सर हैं डॉक्टर यूबी सर। सर कैसे हैं सर आप? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सर आज मैं सर से पूछूंगा इनके थोड़ा सा कि किस तरह से सर का एक पूरा का पूरा सफ़र था एक वेटनरी फील्ड में। तो सर इस तो वेटनरी फील्ड में मैंने जो है 81 से ज्वाइन किया गुजरात में बड़ौदा में, 90 तक रहा, 90 से जो है और स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन करके जो है हमने जुलाई 2014 तक हमने वर्क किया। काफ़ी जो है हमने फील्ड में वेटनरी डिपार्टमेंट में काम किए। तो मेरा जो अनुभव रहा है ख़ास करके जो इसमें डेयरी पालन में, गोपालन में, ये जो है आज जो है मैं अपना शेयर करूँगा आपके डॉक्टर साहब के साथ। बढ़िया सर। तो इसमें जो है जो जर्सी काऊ है जी सर, ये हमारे भारतीय परिवेश में जी सर, ये काफ़ी जो है सूटेबल और फार्मर के लिए जो घरेलू पर्पज है, छोटे गौशालाएँ हैं उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट। इसका हमने देखा कि ब्रीड का वो जो है परफॉर्मेंस है। और इसकी खास बात जर्सी में है कि ये जर्सी काऊ जो है जी सर, ये जो है छोटी है जी सर, कम खाती है जी सर, और अधिक दूध देती है, और दूध का जो एसनप है जी सर वो काफ़ी अच्छा होता है जी सर, और ये गाय जो है काफ़ी संवेदनशील है जी सर, और इसके जो है जो स्वभाव हैं सीधे हैं, और इसमें जो रेजिस्टेंट पावर है जिसको इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं जी सर, इसका और गायों से खासकर एचएफ से तो बहुत ही अच्छी है, अच्छी है। तो इसमें खास करके गर्मी में जो मई जून का महीना काफ़ी ज़्यादा हीट होता है उसमें भी इनमें हाइपरथर्मिया कम होता है, गर्मी कम लगती है, ये जो है एडजस्ट कर जाती है हमारे भारतीय परिवेश में। बढ़िया सर। तो इस तरह से इनकी जो हमारे जो है परिवेश में इनके पालने के हिसाब से, दूध के हिसाब से, इनकी काविंग भी ज़्यादा है, 7-8 ब्यान तक है जी सर, और इसमें रिपीट ब्रीडिंग जो कंसेप्शन रेट है जी सर, गर्भधारण की क्षमता वो भी और गायों से काफ़ी अच्छी है जी सर। इसमें बीमारियां भी चूंकि इम्यूनिटी अच्छी होती है तो ब्रुसलोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस है या मस्टाइटिस है, ये सब काफ़ी कम होती हैं। तो हमारा जो आर्थिक नुकसान ट्रीटमेंट में होता है या उससे जो वो होता है वो भी इससे कम है। तो इसलिए हमने तो देखा है, हमने स्वयं भी देखिए जर्सी काऊ पाल रखे हैं, करीब रिटायरमेंट के बाद 14 से ही हमने रखे हैं और काफ़ी अच्छा जो है हमको अभी ब्याई जो है पिछले महीने तो अच्छी दूध भी दे रही है, एक टाइम का करीब 9-10 लीटर दूध दे रही है। ओके, बढ़िया। तो हमारे समझ से जो है कि भारतीय परिवेश में घरेलू पर्पज से एक जर्सी काऊ सबसे कई इसकी गुणों को देखते हुए ये सुविधाजनक है और पालने योग्य है। और सर जैसे दूसरा भी रहता है कि जैसे लोग जो फार्मर्स हैं साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, दूसरी गायें को ज़्यादा नहलाना पड़ता है, तो इसमें अगर आपने कोई देखा हो इसमें जर्सी में कुछ के ज़्यादा नहीं, ये गाय चूंकि संवेदनशील है तो ये जनरली जो है गोबर इत्यादि पर बैठती नहीं, अच्छा। गंदगी कोई जो है से दूर रह के अपने को मतलब एडजस्ट करती जी है सर, क्योंकि तो इसमें जो है सर ये यहाँ जहाँ बैठ रही है तो बिल्कुल साफ लग रहा है जर्सी जो है, हाँ, तो बिल्कुल गंदी काफी नहीं जो है ये जो है साफ सुफ भी रहती है जी सर, और इसमें जो है गंदे में या कीचड़ में या जहाँ उसे वहाँ स्वयं जो है बैठती नहीं, नहीं बैठती। बढ़िया, हाँ, काफी उससे अच्छा ये, उससे ये फायदा तो मिलेगा कि फार्मर्स को ज्यादा पानी की वेस्टेज से मुक्ति मिल जाएगी, नहलाने में कम पैसा खर्च होगा, धुलाई सफाई में भी आराम रहता है जी सर। तो ये तो है ही है, काफ़ी अच्छा है सर, लगा कि आपसे सुन के ये इसमें फ़ायदा आपको ज़्यादा दिखा है। तो सर जैसे फार्मर्स का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है हर बार कि हमारे पास अगर जर्सी, हर कोई जर्सी पालना चाह रहा है सर, तो जर्सी पालते पालते वो हर किसी ब्रीड पे भी जैसे एचएफ पे भी सीमन लगा रहा है जर्सी का, तो हमें कौन कौन सी जर्सी जो है जर्सी का सीमन किन कौन कौन सी ब्रीड पे लगाना चाहिए, तो इसमें अगर फार्मर्स को आप थोड़ा जैसे जर्सी ब्रीड छोटी गाय है जी सर, तो एक तो जर्सी में 50% है जी सर, या जो 50% है उसमें इसका सीमन अच्छा होता है जी सर। बाकी हमारे जो देसी गाय इधर लोकल गंगा तीरी हैं जी सर, हरियाणा है जो है, जो हमारी देसी ब्रीड जितनी भी है सब पर जर्सी सीमन लगाने पर बच्चे अच्छे आते हैं और बच्चे इसमें डिस्टोकिया नहीं होता, बच्चे मतलब छोटे होते हैं इसलिए फंसते नहीं जी सर। तो जो छोटे राशि की गाय हैं जी सर,
हमारी इंडियन ब्रीड है या जर्सी है और कोई ग्रेडेड जो इंडियन ब्रीड है, सब पर इसका सीमेन जो है लगाना जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो मतलब बॉडी वेट आपके हिसाब से जर्सी, जैसे अगर हमारी गाय 2 क्विंटल की है तो उसके लिए फिर जर्सी, हाँ जर्सी सीमेन लग सकता है। अगर उसमें एचएफ या और ब्रीड के जो सीमेन लगेगा तो उसमें बच्चा जो है बड़ा होगा और उसमें फंस जाएगा, जो है फिर बच्चा फंसेगा तो गाय का भी लाइफ खतरे में पड़ेगी। वो तो डेफिनेटली फिर दोनों ही का नुकसान होगा, वो बच्चे का भी होगा और माँ का भी होगा, बच्चा मर सकता है अंदर, फिर गाय का भी लाइफ खतरे में पड़ेगी। जी सर, इसलिए बच्चा बाहर निकल जाए तो उसके लिए छोटी गायों में जर्सी सीमन ही सबसे बेस्ट है। बेस्ट है, जी सर। तो सर जैसे अभी जैसे एबीएस है, एबीएस ने भी जैसे सर आप ध्यान दिया होगा कि जीनोमिक सीमन भी है और इंपोर्ट करके जर्सी बुल लेके आ रहे हैं और साथ में सेक्स सीमन है, तो इसमें अगर हम देखे जाएं तो फार्मर्स के लिए कितना ये बेनिफिट कर सकता है फील्ड में? एबीएस तो हमारे सीमन के क्षेत्र में काफी अच्छा, चूंकि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जीनोमिक सीमन लेकर आ रही है, उनका जो अपने लैब है तो जो सीमन की क्वालिटी है उसकी ब्रीड वाइज या उसके करेक्टर वाइज डिजीज कंट्रोल के हिसाब से सबके हिसाब से वो अपना सीमन चूंकि सेलेक्ट करते हैं बुल को। जी सर, तो बुल जब अच्छा है तो परफॉर्मेंस जो है सीमन का जो है 100% आना ही है। जी सर, तो जेनेमुक सीमन जो जर्सी के हैं एबीएस के वो काफ़ी अच्छे जो है हर मामले में परफॉर्मेंस उसके अच्छे हैं और उसका रिजल्ट भी काफ़ी ठीक है, मिल्क के हिसाब से, डिजीज कंट्रोल के हिसाब से और बाकी जो है उसका सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन उसमें जो भी आते हैं फील्ड में वो भी उसमें मिनिमाइज होते हैं। मतलब दोनों ही आप कह रहे हैं कि एक दूध तो बढ़ेगा बढ़ेगा अगर आप सेक्स सीमन लगाते हैं, उसके बछड़ियां आने की संभावना है, और सेक्स सीमन तो लगाने से बछड़ी आएगी तो एक समस्या जो मेल काफ है उसका कोई यूज नहीं है तो वो भी एक मतलब समाधान हो जाता है। जी सर, अपना सेक्स सीमन से। जी सर, ये तो काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा जब हमारे पास अगर 2-3 लीटर वाली गाय है और जर्सी लगाते हैं, डेफिनेटली उस पे 2-3 लीटर से 10 लीटर तक पहुंच सकती है, 8-10 लीटर पहुंच जाएगी। तो बड़ी है, वही है फार्मर्स की आमदनी यहीं से 3 गुना हो गया, अगर 3 लीटर दूध दे रही है 10 लीटर पे चली जा रही है तो 3 गुना दूध तो बड़ा बड़ा और एक गाय से ही वो मिल रहा है सारा का सारा, तो डेफिनेटली फार्मर्स को काफी अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद सर आपका, काफी अच्छे आपने बताया फार्मर्स के लिए, आपने जो है आए और जो है इस तरह से जर्सी के गायों के बारे में आपने जो है एक अच्छा सा जो है इंटरव्यू रखा जो है, और हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं कर रहे हैं, लोगों को भी बताते हैं कि अगर अच्छा गाय का परफॉर्मेंस लेना है तो जर्सी गाय रखी, गाय रखी। एचएफ इत्यादि प्रोफेशनल जहां उस तरह से व्यवसायिक है वहां के लिए ठीक है, लेकिन घरेलू पर्पज से छोटे गौशाला के लिए तो जर्सी काफी अच्छी, काफी अच्छा लगा कि हमें अगर बड़ा डेयरी फार्म है तो उसके लिए अगर हम एचएफ भी पाल सकते हैं, अगर हमारा छोटा एक ही गाय रखते हैं 2 गाय रखते हैं तो उसके लिए जर्सी काफी अच्छी हो सकती है सर के अनुसार। तो काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, धन्यवाद सर, धन्यवाद।